दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर्नशिप के बारे में कि इंटर्नशिप होती क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इंटर्नशिप के लिए आप 12th पास आउट है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप ग्रेजुएट है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई कैन अश्योर यू कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको इंटर्नशिप के बारे में सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, इसको अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। मैं आपको 3-4 ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से आप इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे साथ ही वीडियो देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोज़ और फैक्ट्स जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे अच्छी बात दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मुझे आशा है आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के इस यूट्यूब चैनल पे, और आज हम बात करें इंटर्नशिप के बारे में। बहुत बार ये टर्म आपने सुनी होगी इंटर्नशिप, तो आज सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, क्या चीज़ करते हैं इंटर्नशिप में, क्या ये एक नौकरी है पूरी तरह की या फिर इसमें ट्रेनिंग होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंटर्नशिप का मतलब होता है जॉब ट्रेनिंग, बट ये फुल टाइम जॉब नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में इंटर्न लगते हैं, मतलब अगर आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं तो आप उस कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे काम कैसे होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में वो देखते हैं, वो सीखते हैं, दैट इज़ इंटर्नशिप। इट कुड बी पेड, इट कुड बी अनपेड, बट मोस्ट ऑफ द केसेज इट इज़ अनपेड। पर आपको पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर इंटर्नशिप किसी कंपनी में करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप वहाँ जाके काम सीख सके, राइट? सबसे मेन मकसद यही होता है। तो इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब तक आप किसी कंपनी में जाके काम नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि वहाँ काम कैसे होता है, वर्किंग स्टाइल क्या है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर। ये ड्यूरेशन जो इसका होता है वो 1 महीने का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, इवन 6 मंथ्स की भी इंटर्नशिप होती है। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और कंपनी में किस फील्ड में आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट? गवर्नमेंट भी आपको बहुत सारे मौके देती है इंटर्नशिप के लिए, इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज भी है जो आपको इंटर्नशिप के लिए मौका देती है, और आप किसी भी फील्ड में इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप कोई स्ट्रीम स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले कर सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम वाले कर सकते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम वाले नहीं कर सकते। इंटर्नशिप बेसिकली एक जॉब ट्रेनिंग होती है और ये किसी भी कंपनी में हो सकती है। तो इसमें मौके सबके लिए है, ग्रेजुएट है तब भी आप कर सकते हैं, आप 12th पास आउट है तब भी आप कर सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट है तब भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया था। करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। बेसिकली इंटर्नशिप के लिए बेसिकली 2 वेबसाइट्स मुझे अच्छी लगी, एक तो थी लेट्स इंटर्न और एक इंटर्नशाला। आप वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं, आपको इनका इंटरफेस बड़ा अच्छा है, आपको बस वहां जाना है और अप्लाई करना है अपनी फील्ड, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है वो फील्ड सर्च करना है, उसमें आपको कंपनीज दिखा देगी कि ये कंपनीज है और आपको कंपनी में अप्लाई करना है, राइट? बहुत सिंपल इंटरफेस है। तो इस तरह से आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिए, हमें बहुत खुशी होगी उसका आंसर करने में। इसके अलावा अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इसके अलावा अगर आपने हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।